The circuit as shown in the figure, the ratio of currents I1 upon I2 is. So यहाँ पर हमको I1 एक करंट दिख रहा है इस वाली लाइन में और I2 एक करंट दिख रहा है इस वाली लाइन में. इस टाइप के क्वेश्चन में एक बहुत ही बढ़िया सी सिमेट्री बन जाती है और इस सिमेट्री को आप ढूंढो जरा तो आपको मिल भी जाएगी. जैसे आप देख सकते हो कि I2 जो है इस 8 पे भी जा रहा होगा तो इस 8 पे भी जा रहा होगा, विच मीन्स यहाँ पे इन दोनों के थ्रू जो करंट जा रहा है वो 2I2 है. ठीक है, ये 2I2, ये जो सिस्टम बना इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया, इसका रेजिस्टेंस हो गया 4 ohms. जब मैं इस 4 को ऐड करता हूँ इस 2 और इस 2 से, यहाँ पे भी 4 ohms बन रहा है, तो आप देख सकते हो कि ये वाली पूरी लाइन 8 ohms की है और ये वाली लाइन भी 8 ohms की है. तो एज यू कैन सी कि इसका कॉम्बिनेशन पूरा इसके बराबर है. तो अब यहाँ पे अगर 2I2 करंट चल रहा था तो यहाँ पे भी 2I2 करंट चल रहा होगा. ठीक बात. अब आपका ये वाला सिस्टम पूरा 8 का था और ये वाली लाइन भी 8 की थी, तो आपका ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना बनाएंगे, ये बनाएंगे 4. 4 एंड 4 फिर से ऐड होगा तो ये फिर 8 बना देगा. अब ये वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन 4 + 4 8 ohms की है और ये राइट साइड वाली लाइन अगर मैं देखता हूँ तो ये 4 ohms की है. ठीक है, तो इसका पूरा इक्विवेलेंट सर्किट क्या बनेगा. अब देखिए 2I2 2I2, तो यहाँ पे मैं 4I2 लिख देता हूँ. तो एक बार मैं इसको फिर से बनाता हूँ. यहाँ पे हमारे पास 16 वोल्ट से की एक लाइन का एक बैटरी हो गया. इस बैटरी से राइट हैंड साइड अगर आप चलते हो तो आपको इस लाइन में रेजिस्टेंस मिल जाता है 4 ohms का और एक बैटरी मिल जाती है अपोजिंग 8 volts की. ठीक है जी. अब अगर आप इसके लेफ्ट हैंड साइड चलते हैं 16 के, तो आपको करंट जो मिल रहा है वो है 4I2. ठीक है, यहाँ से करंट I1 जा रहा है और यहाँ का जो टोटल रेजिस्टेंस है वो है 8 ohms और ये इस तरीके से जुड़ गया. तो अब ये क्वेश्चन काफ़ी सिंप्लीफाई हो गया. अब हमको I1 और I2 के बीच में करंट देखना है, के बीच में देखना है कि उनकी वैल्यूज का रेशियो क्या बनता है. आप यहाँ पर किरचॉफ लॉ लगा सकते हो, है ना. किरचॉफ लॉ हम लोग दोनों साइड अगर लेफ्ट एंड राइट साइड लगाएं तो हमको क्या इक्वेशंस मिल जाएंगी, क्या फॉर्मूला मिल जाएगा. सिंपल ही होना चाहिए वैसे तो. 16 वोल्ट्स है, चलिए मैं राइट साइड में किरचॉफ लॉ लगाता हूँ. तो यहाँ पे हम लिखेंगे +16. अगर I1 यहाँ से जा रहा है और 4I2 उधर जा रहा है तो दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी I1 माइनस 4I2. ठीक है, 16 माइनस I1 माइनस 4I2 इंटू 4 माइनस 8 इज इक्वल टू 0. ठीक है, इक्वेशन हमारे पास आ रही है 8 इज इक्वल टू I1 माइनस 4I2. एक इक्वेशन हमने यहाँ लिख ली. दूसरी साइड की अगर मैं इक्वेशन बनाता हूँ तो वो थोड़ी और सिंपल इक्वेशन बनने वाली है. मैं यहाँ से अगर एंटी क्लॉकवाइज चलता हूँ इस बार, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, +16 माइनस 4I2 इंटू 8. तो 16 इज इक्वल टू 4I2 इंटू 8, तो 32I2. तो I2 की वैल्यू यहाँ से निकल के आ गई जो कि है 1/2 एम्पियर. चलिए बहुत बढ़िया. I1 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं इसको इस इक्वेशन में पुट करके. तो 8 इज इक्वल टू 1/2 माइनस 4I2. 8 + 1/2 आपका लेफ्ट राइट हैंड साइड में चला जाएगा, सॉरी 8 - 1/2, दैट इज इक्वल टू 7.5 लिख दूँ. 7.5 upon -4, ये वैल्यू आ रही है आपकी I2 की, जो कि दिखने में उतनी अच्छी है नहीं. 15/8 डज नॉट लुक वेरी गुड, मिस्टेक हुई क्या. यस, मेरे को मिस्टेक मिल गई, हमने यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई नहीं किया ठीक से. 4 × 4 एंड 4 × यहाँ पे आएगा 16, है ना. या फिर मुझे क्या करना चाहिए, मुझे इस 4 को इस 8 से डिवाइड कर देना चाहिए. तो मेरे पास यहाँ पर खाली 2 बचता है. ठीक है, इसको आप ध्यान से देख सकते हो, 16 - 8 8 बचता है. इसको इस 4 को अगर हम राइट साइड ले जाते हैं तो 4 इससे डिवाइड होके 2 बन जाएगा. ठीक है, I1
की वैल्यू अपन ने हाफ पुट करनी है, जैसा कि हमारे पास यहाँ पर था ही। मैं खाली 8 यहाँ से हटाता हूँ, 2 यहाँ पुट करता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 -1/2 इज इक्वल टू -4i2। ठीक बात? हाँ जी, तो 2 -1/2 इज 3/2, और 3/2 + 4 करना पड़ेगा हमको। नहीं, आई एम वेरी सॉरी, 3/2 / -4 हो जाएगा। तो i2 की वैल्यू आ रही है 3 - 8। मैं कैलकुलेशन मिस्टेक करी जा रहा हूँ, वन लास्ट टाइम इस कैलकुलेशन को सही कर देते हैं। इसी इक्वेशन को यूज कर रहा हूँ मैं। हमको बताइए कि 2 = i1 - 4i2 है, बस हमको i2 की वैल्यू यहाँ पुट करनी है। सो ये बन जाता है 2 = i1 - 4 × 1/2, 2 हो गया। i1 की वैल्यू आ जाती है 4 एम्पियर, i2 की वैल्यू हमें पता है 1/2 एम्पियर है। इन दोनों के बीच का रेशियो कितना हो जाएगा? 8 टाइम्स हो जाएगा। तो दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। वेरी सॉरी फॉर द मिस कैलकुलेशंस।